आप मेरी माँ हैं और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी माँ के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार हूँ। क्या दाव खेला, अद्भुत है आपकी बुद्धि, विलक्षण है आपकी चतुरता। आज जो कुछ भी हमने देखा वो कल्पना से परे। आज पहली बार मां और पुत्र के बीच मतभेद हो गया, वो भी हमारी मां के कारण। आप मेरी माँ हैं और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं, कोई नहीं माँ। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी माँ के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार माँ। तू जो करना चाहता है वो अधर्म है, धर्म के विरुद्ध युद्ध है, अपराध है वो। फिर भी यदि तू ये करना चाहता है ना, तो जान ले गरुड़, मैं इस पाप में साथ कभी नहीं दूंगी। तुझे आशीर्वाद देना तो दूर की बात है, पहली बार जीवन में ये कामना करूंगी कि तू अपने लक्ष्य में असफल हो जाए। तो माँ आप सदैव कहती है कि संसार में जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु की इच्छा है कि अमृत केवल देवताओं को मिले। अपने इस लक्ष्य के लिए मेरे प्रभु ने कितना कष्ट सहा है, कितना लंबा समय माँ लक्ष्मी के वियोग में बिताया, कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ पर इतने विशाल पर्वत को उठाया, उसके बंधन का भार सहा। और केवल प्रभु विष्णु ही क्यों, स्वयं महादेव ने हलाहल तक पिया है इस लक्ष्य के लिए। केवल इसलिए ताकि अमृत प्रकट हो पाए और वो उन्हें मिल पाए जो उसकी शक्ति का प्रयोग संसार की भलाई के लिए करेगा। पर ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ, तू स्वयं था ना वहाँ, तूने देखा था ना कितनी कठिनाइयों के बाद अमृत मिला, उसकी एक एक बूंद कितनी मूल्यवान है। सब जानते हुए भी तू केवल मेरी मुक्ति के लिए अमृत उन नागों को सौंप देना चाहता है जो स्वयं प्रभु की दृष्टि में योग्य है। Thank you.
माँ आपने जो भी कहा वो एक एक शब्द सत्य है। इसीलिए सत्य अर्थात स्वयं प्रभु विष्णु को साक्षी मानकर मैं ये कह रहा हूं, यदि इस कार्य में इन्होंने मुझे अनुमति दे दी तो आपको भी अनुमति देनी होगी। माँ भगवान धार्मिक कार्य की अनुमति देते हैं गरुड़, अधर्म की प्रेरणा क्यों देंगे वो? मैं नहीं जानता माँ, परंतु जिस तरह आपका विश्वास इतना अटल है कि इस कार्य में प्रभु की सहमति नहीं है, उसी तरह मेरा भी विश्वास अटल है कि समस्त संसार में जो कुछ होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। इसीलिए माँ हम दोनों में से कौन सही है इसका निर्णय स्वयं नारायण को ही लेना होगा। प्रभु के चरणों में रखा यह नारियल, यदि सुबह होने से पहले इसमें कोपल हो गए तो मैं इसे प्रभु के आशीर्वाद का संकेत समझूंगा और आपको मुझे अनुमति देनी होगी। यदि भोर होने से पहले इस नारियल में से कोपल नहीं होगी तो मां आप जो कहेंगे मैं सर झुकाकर चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। अब आएगा आनंद, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था प्रभु। आप अपनी भक्त की परीक्षा ले रहे थे लेकिन अब आपको भी अपनी भक्त की परीक्षा देनी होगी। अगर कोपल उगी तो गरुड़ अमृत लेने जाएगा तो अधर्म नहीं होगा, और अगर कोपल नहीं उगी तो अमृत लेने गरुड़ जाएगा ही नहीं और आपकी योजना असफल हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे प्रभु? विश्राम, जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो पहले अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, है ना दी? क्या लगता है मां, गरुड़ अमृत आ पाएगा या छोटी मां उसे रोक लेगी? आप तो सर्वज्ञता हैं भगवान दत्तात्रेय, हमारे मन की भी इच्छा सुन लीजिए। गरुड़ को यह धर्म करने से बचा लीजिए भगवान। अब तो बस मेरी एक ही आशा है प्रभु, गरुड़ को मेरी मुक्ति के लिए इतने बड़े संकट का सामना ना करना पड़े। बस किसी तरह इन्हें यह आभास हो जाए कि दास्ता से इनकी मुक्ति ही मेरा सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख धर्म है। यदि मैं अपनी माँ को स्वतंत्र जीवन का उपहार नहीं दे पाई तो फिर कभी कुछ और नहीं कर पाऊंगा मैं। गरुड़ सही कह रहा है, जब तक वो अपनी माँ को और स्वयं को दासत्व से मुक्त नहीं कर लेता वो प्रभु का वाहन नहीं बन सकता। इसका अर्थ तो ये है कि अब तक मैं विरोध कर रही थी पर वास्तविकता में प्रभु ने मेरी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये सारी लीला रची है। अमृत तो केवल एक माध्यम था, वास्तविकता में प्रभु ये चाहते थे कि किसी भी तरह कद्रुविंता को दासत्व से मुक्त करने का वचन दे, और ऐसा ही हुआ। पर अब यदि कोपल नहीं होगी तो विंता गरुड़ को अनुमति नहीं देगी और बिना अनुमति के गरुड़ अमृत लेने नहीं जाएगा। पर मां, प्रभु विष्णु तो योग निद्रा में जा चुके, उन्हें जगाना संभव नहीं।
और सूर्यदेव भी उदित होने ही वाले, क्या होगा मां? कराग्रवस्त लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मिले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कोपल नहीं होगी, आपने गरुड़ को अधर्म करने से बचा लिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। गरुड़, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया मां। तो अब आप भी मेरी तरह निष्ठुर हो गई थी, गरुड़ को अधर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे दी। मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई, पर मैं अब पहचान चुकी हूँ। कभी कभी बड़े धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगर छोटा अधर्म करना भी पड़े तो उसे अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वो अधर्म के साचे के भीतर छिपा माध्यम होता है, धर्म को स्थापित करने का माध्यम। कद्रू ने छल से विंता को दासी बनाया और बिना किसी छल के कद्रू विंता को मुक्त करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, इसलिए ये छल भी कद्रू के कुकर्म का प्रतिफल है। और रहा प्रश्न अमृत का, उसकी सुरक्षा तो आपके नियंत्रण में है प्रभु, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवश्यक होगा वो सब करेंगे आप। पर अमृत का पान किसी अयोग्य को कभी नहीं करने देंगे। अमृत के लिए जाने की इस यात्रा में सफल होने के लिए गरुड़ को अपनी मां का आशीर्वाद चाहिए, आपने तो दे दी, पर अब देखना यह शेष कि उसे अपनी मां का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। अनुमति दीजिए मां। कैसे कैसे दे दूं अनुमति? अमृत की सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना कठिन है, कितने पहरे कितने संकट होंगे जानता है ना तू? देवराज तुझे कभी अमृत तक नहीं पहुंचने देंगे। और देवराज ही क्यों, अब तो सभी देवता अमर हो चुके हैं, कैसे करेगा उनसे युद्ध? उनके सुरक्षा चक्रों को तोड़कर अमृत कैसे प्राप्त करेगा गुरु? यदि किसी तरह तूने कर भी लिया तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे। और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा मां। यह
यही था ना आपका छठा संस्कार, आप ही ने सिखाया था ना माँ कि धर्म के लिए जगत पिता श्री विष्णु से भी टकराने में कोई हानि नहीं है। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। समझ नहीं पा रही हूँ करुण, क्या उत्तर दूँ तेरी इस बात का? मेरी मुक्ति के लिए तू इतना कुछ करने को तैयार है, इसलिए वचन दे मुझे, तू अपने पिता का आशीर्वाद देने के बाद ही आगे बढ़ेगा। हो सकता है वही तुझे उचित मार्ग दिखा पाए। वचन दे मुझे। मेरे मुख पे रहे मुस्कान सी तू, मेरे मस्तक का अभिमान भी तू, एक आशीर्वाद में जग दे दे, है सबसे बड़ी धनवान भी तू, तेरी ममता से आशीर्वाद दीजिए बड़ी माँ। तेरी मातृभक्ति अनुपम है करुण, अपने लक्ष्य में सफल हो। अगली बार जब आपको देखूंगा तो आपके हाथों में ये बंधन का प्रतीक दासत्व का धागा नहीं होगा माँ। अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगी आप। चलता हूँ मैं। प्रभु, माँ विंता की मुक्ति के बारे में सोचकर मैं प्रसन्न तो हूँ, पर गरुड़ के लिए एक विचित्र से चिंता भी हो रही है मन में। तुम्हारा चिंतित होना उचित है शेष, क्योंकि गरुड़ का यह लक्ष्य अब तक के सभी लक्ष्यों से भिन्न है। सबसे पहले अमर हो चुके देवताओं को पराजित करके अमृत तक पहुंचना लगभग असंभव हो, और यदि वे वहां तक पहुंच भी गए तो फिर कद्रु तक अमृत पहुंचाने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। ये कैसी लीला है प्रभु? एक ओर आप करुड़ का मार्गदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर
उसी के मार्ग का अवरोध बन रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि ऐसा करना मेरा धर्म है। सृष्टि के नियम जो मैंने बनाए, मैं स्वयं भी उनसे बंधा हूं। गरुड़ को इन सब चुनौतियों का सामना करके अपने कर्म को पूरा करना है। यही तो है अग्नि परीक्षा। अब देखना यह कि गरुड़ इस अग्नि परीक्षा में कैसे सफल होगा।